नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है फोकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निपुण भारत पहल के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे निपुण भारत मिशन के बारे में, या कह सकते हैं निपुण भारत पहल के बारे में। तो केंद्र सरकार 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत पहल नामक एक नई योजना शुरू करने जा रही है। निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकी। निपुण पहल या निपुण भारत मिशन के उद्देश्य, इसे प्रारंभिक चरण के छात्रों के लिए संख्यात्मकता, मूलभूत पढ़ने और समझ में सुधार के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026 से 27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंक गणित में सीखने की क्षमता हासिल कर ले। यह पहल स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। निपुण पहल कार्यान्वयन एजेंसी, अब आइए जानते हैं निपुण पहल के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है। निपुण भारत पहल केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जाएगी। इसे लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र की स्थापना की जाएगी। यह योजना क्यों शुरू की गई है? भारतीय स्कूलों में मूलभूत शिक्षा एक खामी रही है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार लगातार वर्षों से स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश भारतीय छात्र बुनियादी अंकगणित को पढ़ समझ नहीं पाते। इस प्रकार इस मुद्दे से निपटने के लिए एक पहल शुरू की गई थी। यह योजना नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।